अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रंगे जिंदगी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं अजवाइन के मिसाले वाली अरबी। बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी, मेरी मम्मा की रेसिपी है। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और झटपट तैयार भी हो जाती है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो अरबी। आप ये देख सकते हैं मैंने राउंड शेप में काटी हुई है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन के, 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे नमक के, 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे मोटी मिर्च, 3 टेबल स्पून हम ऑयल के यूज़ करेंगे, 3 टेबल स्पून हम धनिया के यूज़ करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन के। हमने इसको हल्का सा 30 सेकंड के लिए तड़क लेना है। जैसे ही आपको इसके अंदर से खुशबू आने लग जाएगी, आप समझ लीजिएगा कि अजवाइन जो है वो फ्राई हो चुकी हुई है। फिर हमने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने हैं। ध्यान रखिएगा आप अजवाइन को जला नहीं दीजिएगा, वरना हमारे सालन का जायका कड़वा हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का, 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून मोटी मिर्च के। हमने इसको अच्छे से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। जैसे ही मसाले फ्राई हो जाएंगे, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी कटी हुई अरबी को। आपने अरबी को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले अच्छे से इसमें रच जाए। हमने इसमें कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं करना, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हमने मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लेंगे। हाँ जी, 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमने 5 मिनट बाद इसको हल्का सा हिला लेना है ताकि हमारी जो अरबी है वो जले नहीं और नीचे से लगे नहीं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको हिला के दोबारा से 5 मिनट के लिए इसको ढक के हल्की आंच पे पका लेना है। ये सिर्फ हल्की आंच पे पकेगी, इसमें कोई पानी कुछ भी हमने ऐड नहीं करना। आप ये देख सकते हैं ये हल्का हल्का पकना शुरू हो गई भी है। हमने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है और अच्छे से दोबारा से कवर अप करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लेना है। आप यकीन जाने ये दम पे पकती है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप ये देखिए जी, अगले 5 मिनट बाद मैंने दोबारा से ढक्कन हटा के इसको मिक्स किया है। आपने हर 5 मिनट बाद इसको चेक करना है और इसको हिला लेना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसको एक ही साइड पर पकाते रहेंगे तो नीचे से अरबी जल भी सकती है। हम इसको मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे। ये देखिए जी, अरबी काफ़ी हद तक गल चुकी हुई है, मगर अभी ये प्रॉपर नहीं गली। हम इसको दोबारा से ढक देंगे और हल्की आँच पर 5 मिनट के लिए दम पर पकाएँगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। जी जनाब, 5 मिनट गुजर चुके हैं। आप ये देख सकते हैं ये अरबी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये पक चुकी हुई है कि नहीं पक चुकी हुई है। ये देखिए जी, कितने आराम से मैं चम्मच लगा रही हूँ और ये कट रही है। इट मीन्स कि हमारी अरबी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर 3 टेबल स्पून धनिया के ऐड कर देंगे और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने आपको प्रॉपर बनती हुई अरबी दिखाई है कि मैंने किस किस पोजीशन पे इसको बनाया है, किस कब कब इसको हिलाया है। आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, मगर ये हल्की आंच पे बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप यकीन जाने मेरी मम्मा की ये रेसिपी है, वो बनाती हैं और बहुत ज़बरदस्त बनती है। हम इसके ऊपर लेमन निचोड़ के खाते हैं, आप भी इसके ऊपर लेमन निचोड़ के खाइएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जी जनाब, आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी अरबी रेडी है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। फ़ीडबैक के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।